अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जमात पंजुम स्कॉलरशिप इम्तिहान के वीडियो सीरीज़ में आपका खैर मकदम है। बच्चों, इस वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक कर उसे हल कीजिए। टेस्ट की लिंक दी गई है, अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और उसे हल कर सकते हैं आप। आज का अंग्रेजी का जो हमारा उनवान है वो राइटिंग अपोजिट वर्ड्स है, यानी मुतज़ाद अल्फाज। मुतज़ाद अल्फाज किसे कहते हैं? वो अल्फाज जो एक दूसरे के मुखालिफ यानी बरक्स होते हैं, हम अपोजिट वर्ड्स कहते हैं उर्दू में, हम उसे मुतज़ाद अल्फाज। तो आज हम कुछ अपोजिट वर्ड्स भी देखेंगे और फिर कुछ मिसालें भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर चंद अपोजिट वर्ड्स मैंने दी हूँ, आप उसे पॉज कर लिख कर अपने डायरी में रख सकते हैं। एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एड, सब्ट्रैक्ट, एंटोनिम, सिनोनिम्स, अपियर, डिसअपियर, अराइवल, डिपार्चर, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ब्रॉड, नैरो, बिफोर, आफ्टर, कैपेबल, इनकैपेबल, डे, नाइट, फास्ट, स्लो, कोल्ड, हॉट, क्लोज, ओपन, स्मूथ, रफ, रिप, रॉ, जॉय, सोरो, प्योर, इम्प्योर, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, फॉरगेट, रिमेंबर, डिफिकल्ट, ईजी। तो ये हमारे चंद अपोजिट वर्ड्स थे। अब हम मिसालें देखते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें सवाल को समझना है, इंग्लिश में ही सवाल दिया जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि सही मुतबादिल तलाश कीजिए। ह्यूज स्ट्रॉन्ग, फैट स्ट्रॉन्ग, शाइनी टाइनी, बिग स्मॉल। यहाँ पर फोर नंबर का ऑप्शन ही हमें सही दिख रहा है, वो एक दूसरे के मुतज़ाद है, अपोजिट है। तो हम चार नंबर का ऑप्शन जो है वो फिल करेंगे। अगला है, चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर सवाल है कि जो सेंटेंस दिया गया है उसमें जो अंडरलाइंड वर्ड है उसका अपोजिट हमें तलाश करना है। तो इस तरह का भी सवाल आ सकता है। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर चूज करके ली हूँ ताकि आपकी द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ पर राइजेस को अंडरलाइन किया हुआ है। सबसे पहले तो आपको राइजेस का मतलब समझ में आना चाहिए, तब आप उसकी अपोजिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। राइजेस यानी तुलु होना, और उसका अपोजिट है गुरुब होना। गुरुब होने के लिए देखो ऑप्शन में दिया है रोजेस, सेट्स, ब्राइट, शाइन्स। पर सेट्स जो है उसका सही अपोजिट वर्ड है। हम दो नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। तीसरा है क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट ऑड टर्म्स। यहाँ पर जो गैर मुतालिक है वो अलग करना है। जॉय, सोरो, ये अपोजिट वर्ड है। प्योर, इम्प्योर, ये भी अपोजिट वर्ड है। एंटोनिम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स अपोजिट्स सॉरी। और चौथा है डिफिकल्ट, इजी। तो यहाँ पर ये जो वन, टू और फोर नंबर के ऑप्शन है वो अपोजिट है, और एंटोनिम्स अपोजिट्स ये जो है वो अपोजिट वर्ड्स नहीं है बल्कि ये सिनोनिम्स है, यानी हम माने अल्फाज है। एंटोनिम का मतलब भी अपोजिट ही होता है। यहाँ पर जो गैर मुतालिक है वो तीन नंबर का ऑप्शन अलग होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर द फॉलोइंग्स। यहाँ पर ये जो दिया गया है, एक अपोजिट का एक वर्ड दिया गया है, उसका अपोजिट वर्ड तलाश करना है हमें। क्रूअल, क्रूअल, उसके लिए अपोजिट के लिए ऑप्शन है काइंड, ट्रू, इजी और गुड। यहाँ पर क्रूअल यानी बेरहम, उसके लिए काइंड ये जो है एक नंबर का ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय चूजिंग द करेक्ट अपोजिट वर्ड्स। यहाँ पर देखो आपको इस तरह से टेबल, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। एक टेबल दिया गया है, फ्रेंड और गुड, इस तरह से दोनों के अपोजिट वर्ड है वो हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से हमें तलाश करना है। फ्रेंड के लिए और गुड के लिए यहाँ पे दिया गया है नंबर वन गुड, वीक, लाफ, थिन, एनिमी, बैड, स्लो, क्विक। तो फ्रेंड के लिए हमें अपोजिट वर्ड्स मालूम रहना चाहिए एनिमी, और गुड के लिए बैड। तो ये तीन नंबर का ऑप्शन है वो हमारा सही है। इस तरह से आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को टेस्ट को हल कीजिए और अपनी मश्क कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।